सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विशेक और आज बात करने वाले हैं जावा 42.1 में आए हुए एक अपग्रेड के बारे में। तो कुछ लोगों के लिए वो अपग्रेड यूजफुल होगा, बट कुछ लोगों के लिए वो डाउनसाइड हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए वो अपग्रेड कितना हेल्पफुल है या कितना उसमें अपग्रेड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो बात करूँगा मैं अपग्रेड की, तो अब जावा 42.1 में से इसका जो मिडिल स्टैंड था, जो मिडिल स्टैंड आता था, वो हटा दिया गया है, जो आपको इजीली देख रहा होगा। तो जो अब जावा 42.1 जो आप परचेस करने जाएंगे उसमें आपको डबल स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कंपनी का इसका कहना है कि ये ग्रस्ट के ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए ये चीज़ की गई है, बट मैं समझता हूँ कि पहले से ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस सफिशियंट था नॉर्मल रोड्स के लिए। तो किस हद तक वो फ़ायदेमंद होगा ये तो गाड़ी चलाने के बाद ही पता चलेगा, बट हाँ अब डेफिनेटली ये है कि अब ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि डबल स्टैंड इसमें से हट चुका है। तो वो जो एरिया था डबल स्टैंड का, वो अब गाड़ी में से निकल चुका है। तो अब जो भी लोग इसको कंसिडर कर रहे थे कि ग्राउंड क्लियरेंस के उससे इसमें प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये काफ़ी बढ़िया एक डिसीजन है, क्योंकि उनको अब ये चीज़ फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए पूरा ग्राउंड क्लियरेंस इजीली बढ़ चुका है अब गाड़ी का, क्योंकि जो इसका मेन जो टकराता था वो डबल स्टैंड ही था जो इसका नीचे लगता था, तो वो अब कंपनी ने इसमें से हटा दिया गया है। बाकी गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये लेग गार्ड आप लोगों ने देखे होंगे, जावा की ब्रांडिंग इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जी मुझे लग रहा है ये इस तरीके से फिटिंग है। बाकी बैक रेस्ट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ गाड़ी का, और बात करूँ मिरर्स की तो मिरर्स में भी काफ़ी अच्छा अब कंपनी ने ये जो है फिटिंग इसकी दे दी गई है। बाकी एक बार गाड़ी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का कंसोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। वही बात करूँ गाड़ी में एक और एसेसरीज है, जो एक कैप एड ऑन हुई है, ये आफ्टर मार्केट आपको मिलेगी, नहीं सॉरी शोरूम पर ही आपको मिल जाएगी, बट एज एसेसरीज का पार्ट है तो आपको अलग से गाड़ी में लगाना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में जोड़ बताइए कि आपको कितना फ़ायदेमंद लगा इसका डबल स्टैंड जो कंपनी ने हटाया हुआ है। बट हाँ, अगर ऐसा है कि आपको डबल स्टैंड चाहिए ही चाहिए गाड़ी में, तो आप डीलर के थ्रू उसको परचेस करके आगे लगवा सकते हैं। बाकी एक रेटर ग्रिल गाड़ी में लगी हुई है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बट ये पैराक की लगाई हुई है, ये 42 की भी आती है, ये भी आफ्टर मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में शोरूम पर भी ये अवेलेबल है। सो एक चीज़ और है, गाड़ी में पीछे के फुटरेस्ट लगे हुए हैं दोनों साइड, तो इनका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है दोनों साइड से। तो ऑलमोस्ट लगभग सारी एसेसरीज गाड़ी में लगवाई हुई हैं, बट एक वाइज़र को छोड़ के बाकी सब चीज़ें गाड़ी में फुल गाड़ी खड़ी है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का जो मैंने दिखा दिया आपको क्या चीज़ था, एक बार मैं गाड़ी सीधी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अब बढ़ चुका है, शायद आपको इस बात से समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो जो डबल स्टैंड था वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ लगता था, नीचे लगता था, तो वो चीज़ कंपनी ने अब रिजॉल्व कर दी है। अब आपको गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो अब आप बेफिक्र इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कि अब ये अपडेट गाड़ी में आया हुआ है कि ग्राउंड क्लियरेंस को लेके अब आपको गाड़ी पर कोई भी इशू नहीं आने वाला। बाकी और किसी भी बाइक की अगर आप क्वेरी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।